अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ न्यारी, जिसके लिए मैंने लिया आधा किलो बीफ, एक प्याज बारीक काट के रखी हमने, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चार टेबलस्पून दही, आधा हमने न्यारी मसाला लिया है शान का, एक टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून नमक अस्पे जरूरत। अब इसमें पहले तेल डालेंगे हम, तीन टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया। अब इसमें प्याज ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे प्याज हल्के से ब्राउन करने हैं। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। मैंने नली भी डाली क्योंकि आधे से ईद आ रहे हैं। थोड़ा इसे भून लेंगे, भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे भून लेंगे, भूनने के बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, शान का न्यारी मसाला, आप चाहे तो गुला मसाला भी डाल सकते हैं। हम इसे भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। इसे भून रहे हैं हम, भूनने के बाद दही डालेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे हम, चार टेबलस्पून दही था हमारा, दही ऐड कर दिया हमने इसे। दही डालने के बाद हम इसे भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक लीटर पानी है इसमें ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। चुका है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। पानी मैंने इसमें डाल दिया था, अब इसमें जोश आने लगे तो हम इसको ढक्कन लगा के बंद कर दें ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। चार चम्मच मैंने घर का आटा लिया है, अब इसे मिक्स करेंगे। ताकि इसमें गुठलियां ना बने। गोश्त अच्छी तरीके से गल गए हैं, अभी हम इसमें आटा डालेंगे जो हमने बैटर बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चले कितना गाढ़ा हो चुका है ये। अभी हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि आटा पक जाए, आटे की स्मेल खत्म हो जाए जब तक हम बघार तैयार करते हैं। प्याज मैंने रख दिए ब्राउन होने के लिए, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च हम ऐड करेंगे, फिर हम इसे तड़का देंगे। प्याज लाल हो चुका है, अब इसमें लाल मिर्च हम ऐड करेंगे ताकि इसमें कलर आ जाए। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया इसमें, अब इसे बघार देंगे। आधा टीस्पून बस थोड़ा सा डाला है कलर के लिए। अब इसमें बबल्स आ गए हैं, ये पक चुका है, अब इसे तड़का देंगे हम, फिर स्लो आंच पे रख देंगे। तैयार हो चुका है, डिश आउट करते हैं हम। हमारी न्यारी तैयार हो चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे अदरक जो हमने काट के रखी थी, हरी मिर्चे, हरा धनिया, नींबू। हमारी बीफ न्यारी तैयार हो चुकी है, उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी। बकरा ईद पे आप जरूर ट्राई करें, हमें लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।